हेलो फ्रेंड्स, आज हम ले रहे हैं क्लास 12th के लिए फ्लेमिंगो बुक से फिफ्थ चैप्टर इंडिगो। फ्रेंड्स, इस चैप्टर में मैं एक एक लाइन का आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। हिंदी एक्सप्लेनेशन भी समझाऊंगा, हर चैप्टर का डिफिकल्ट जो वर्ड्स हैं उनके मीनिंग्स बताऊंगा, चैप्टर का थीम क्या है ना, और पूरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या आ सकते हैं इस पूरे चैप्टर में, वो सब चीज़ भी हम बीच बीच में डिस्कस करते जाएंगे। तो इसका एक भी लाइन मिस नहीं कीजिएगा। तो शुरू करते हैं अपना चैप्टर इंडिगो। इंडिगो का अर्थ होता है फ्रेंड्स नील, है ना, एक फसल होती है इंडिगो, जिससे पहले नीला कलर बनाया जाता था, ब्लू कलर इसी से बनता था पहले नेचुरली। तो ये एक हिस्टोरिकल इवेंट है, इंडिगो के लिए मूवमेंट मूवमेंट हुआ था अपने इंडिया में, चंपारण में महात्मा गांधी ने वो मूवमेंट लीड किया था। तो वो क्या मूवमेंट था उसके बारे में ये जो पूरा इस चैप्टर में है। तो इसके जो राइटर है लुई फिशर, जो कि बॉर्न हुए थे, जिनका बर्थ हुआ था फिलाडेल्फिया अमेरिका के अंदर, एंड ही सर्व्ड एज ए वॉलंटियर इन ब्रिटिश आर्मी। ब्रिटिश आर्मी में भी उन्होंने काम किया था एज ए वॉलंटियर, स्वयंसेवक के रूप में, 1918 से लेकर 1920 तक। और फिशर मेड अ करियर, उनका करियर क्या था, लुई फिशर जो यहाँ के राइटर है उसका करियर था एक जर्नलिस्ट के रूप में। और किस किस के लिए लिखते थे ये, द न्यूयॉर्क टाइम्स न्यूज़पेपर है, सैटरडे रिव्यू, इसके लिए भी लिखते थे, और यूरोपियन और एशियन पब्लिकेशन खूब सारे थे और भी, उन सब के लिए भी ये लिखते थे। ही वॉज ऑल्सो अ मेंबर ऑफ द फैकल्टी एट प्रिंसटन यूनिवर्सिटी, प्रिंसटन यूनिवर्सिटी की फैकल्टी मेंबर भी थे वो, वहाँ पर एज ए टीचर भी काम करते थे। द फॉलोइंग इज एन एक्सेप्ट, ये जो चैप्टर है वो एक एक्सेप्ट है, एक्सेप्ट यानी उनकी पूरी बुक में से लिया हुआ है, बुक का एक पार्ट है ना, उद्धरण कहते हैं जिसको, बुक का एक पार्ट है। कौन सी बुक का, द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी, ये उन्होंने महात्मा गांधी की बायोग्राफी लिखी थी, तो उस बुक का एक छोटा सा पार्ट है ये चैप्टर इंडिगो नाम से। द बुक हैज बीन रिव्यूड एज वन ऑफ द बेस्ट बुक्स एवर रिटन ऑन गांधी बाय टाइम्स एजुकेशनल सप्लीमेंट, इनकी ये जो बुक है द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी, इस बुक को रिव्यू किया गया कि ये सबसे बेस्ट बुक्स में से एक है जो कि गांधी जी के ऊपर लिखी हुई थी। और ये रिव्यू किसने किया, टाइम्स एजुकेशनल सप्लीमेंट करके मैगजीन है, उन्होंने किया। तो आगे देखते हैं, इस चैप्टर में आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो ये जो है गांधी जी ने राइटर को क्या क्या बताया, वो सब राइटर डायरेक्ट लिख रहा है गांधी जी के मुंह से ही। तो गांधी जी कह रहे हैं कि वैन आई सॉरी ये जो इस चैप्टर में इस चैप्टर में जो राइटर गांधी जी से मिला और गांधी जी ने क्या बताया वो चीज़ें मेंशन है। तो राइटर कह रहा है कि व्हेन आई फर्स्ट विजिटेड गांधी इन 1942 एट हिज आश्रम इन सेवाग्राम इन सेंट्रल इंडिया, यानी कि जब वो पहली बार गांधी जी से मिलने गए 1942 में, उनका आश्रम है सेवाग्राम अहमदाबाद के पास, तो सेंट्रल इंडिया में, मध्य भारत में, तो उन्होंने क्या कहा कि आई विल टेल यू हाउ इट हैपन्ड दैट आई डिसाइडेड टू अर्ज द डिपार्चर ऑफ द ब्रिटिश, कि गांधी जी ने कहा कि मैं आज तुमको बताऊंगा कि ऐसा क्या हुआ कि मैंने अंग्रेजों को भारत से निकलने के लिए कहा। आई डिसाइडेड, मैंने डिसाइड किया कि अब मैं अंग्रेजों को कहूंगा, अर्ज करना यानी कहना कि भारत से डिपार्चर कर दो, है ना, रवाना हो जाओ। तो ये शुरुआत हुई गांधी जी कह रहे हैं 1917 में। तो अब वो थर्ड पर्सन में स्टोरी सुना रहे हैं कि गांधी जी उस समय 1916 दिसंबर में गए थे, जो कांग्रेस का एनुअल कन्वेंशन हुआ था, वार्षिक अधिवेशन हुआ था लखनऊ के अंदर, इंडियन नेशनल कांग्रेस का लखनऊ में। तो देयर वर 2301 डेलीगेट्स, तो 2301 डेलीगेट्स आए हुए थे, शिष्टमंडल है ना, अलग अलग ग्रुप्स आए हुए थे अलग अलग जगह से पूरे इंडिया से, और बहुत सारे विजिटर्स भी थे जो सिर्फ विजिट करने आए थे, देखने आए थे क्या हो रहा है। ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग्स, जब कार्रवाई चल रही थी, गांधी रिकाउंटेड, तो गांधी जी याद करते हैं कि वह क्या हुआ उसी कार्रवाई के दौरान, अ पेजेंट केम अप टू मी लुकिंग लाइक एनी अदर पेजेंट इन इंडिया, एक किसान आया, पेजेंट करता था किसान, एक किसान गांधी जी कह रहे हैं मेरे पास आया, और वो भी दूसरे भारतीय किसानों की तरह ही दिखता था, कैसा, जैसे पुअर था, गरीब था, इमेशिएटेड था, बहुत कमजोर पतला सा सूखा सा शरीर था। और उसने क्या कहा उस किसान ने कि आई एम राजकुमार शुक्ल, आई एम फ्रॉम चंपारण, उसने अपना परिचय दिया कि मैं चंपारण से राजकुमार हूं, एंड आई वॉन्ट यू टू कम टू माई डिस्ट्रिक्ट, मैं चाहता हूं कि आप मेरे जिले में आओ, आप चंपारण में आओ, ऐसा गांधी जी से उसने रिक्वेस्ट किया राजकुमार ने। गांधी हैड नेवर हर्ड ऑफ द प्लेस, गांधी जी ने तो इस स्थान के बारे में सुना भी नहीं था। इट वॉज इन द फुट हिल्स ऑफ द टावरिंग हिमालयाज, तो ये चंपारण कहाँ था, फुट हिल्स में था, है ना, टावरिंग हिमालय, ऊंचे ऊंचे हिमालय पहाड़ के चरणों में, है ना, फुट हिल्स में ही था, नियर द किंगडम ऑफ नेपाल, नेपाल के पास, नेपाल राज्य के पास में था। अंडर एन एंशियंट अरेंजमेंट, तो वहां पर एक व्यवस्था थी चंपारण में, बहुत पुरानी प्राचीन व्यवस्था थी, कि द चंपारण पेजेंट्स वर शेयर क्रॉपर्स, कि वहां के किसान क्या थे, शेयर क्रॉपर्स थे, इनकी दूसरे के खेत में खेती करते थे और उनको शेयर देते थे। राजकुमार शुक्ला वॉज वन ऑफ देम, वो भी उनमें से एक था। ही वॉज इलिटरेट, बिल्कुल निरक्षर था, लेकिन रेजोल्यूट, दृढ़ निश्चय था, जो फैसला कर लेता था उस पर वो पक्का रहता था। ही हैड कम टू द कांग्रेस सेशन टू कंप्लेन अबाउट द इनजस्टिस ऑफ द लैंडलॉर्ड सिस्टम इन बिहार, तो वो कांग्रेस सेशन में किस लिए आए थे राजकुमार शुक्ला, कंप्लेन करने के लिए आए थे किसके अगेंस्ट,
इनजस्टिस, अन्याय के विरुद्ध। किसका अन्याय? जो लैंडलॉर्ड सिस्टम बिहार का, बिहार में जो समतावादी व्यवस्था थी, समतावादी व्यवस्था, लैंडलॉर्ड सिस्टम, उसके खिलाफ कंप्लेन करने के लिए राजकुमार शुक्ल कांग्रेस अधिवेशन में आया था। और किसी ने कहा, समबडी हैड प्रोबेबली सेड कि स्पीक टू गांधी, कि भी गांधी जी से बात कर ले, तेरा समस्या सॉल्व हो जाएगी। तो गांधी टोल्ड शुक्ल दैट ही हैड अपॉइंटमेंट इन कानपुर, ये कानपुर की पुरानी स्पेलिंग है। तो गांधी जी ने कहा कि मेरे पास तो पहले से ही अपॉइंटमेंट है, कानपुर जाना है। ही वॉज ऑल्सो कमिटेड टू गो टू अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया, भारत के दूसरे पार्ट्स में भी जाना है। तो शुक्ला ने क्या किया, ही अकंपनीड गांधी, अकंपनीड हिम, हिम यानी गांधी जी को, एवरीवेयर, सब जगह साथ साथ गया। अकंपनीड यानी साथ साथ गया, सब जगह गांधी जी के साथ चलता रहा। कानपुर गया तो कानपुर गया, सब जगह साथ गया। देन गांधी रिटर्न टू हिज आश्रम नियर अहमदाबाद, अहमदाबाद के पास आश्रम आ गए गांधी जी। तो शुक्ला फॉलोड हिम टू द आश्रम, आश्रम भी उनका फॉलो करते करते पीछे आ गया। फॉर वीक्स ही नेवर लेफ्ट गांधीज साइड, कई हफ्तों तक गांधी जी का साथ उसने छोड़ा ही नहीं। फिक्स अ डेट ही बैग्ड, उसने रिक्वेस्ट किया, प्लीज फिक्स अ डेट, चंपारण के लिए भी एक डेट आप दे दीजिए। इंप्रेस्ड बाय द शेयर क्रॉपर्स टेनेसिटी, तो गांधी जी इंप्रेस हो गए उस शेयर क्रॉपर, उस किसान की टेनेसिटी से, दृढ़ता से। वो कितना रिजोल्यूट था, उसका दृढ़ निश्चय कर रखा था उसने कि गांधी जी को ले जाना ही ले जाना है। तो उसकी इस क्वालिटी से, गांधी जी टेनेसिटी से इंप्रेस होकर के, और उनकी स्टोरी से इंप्रेस होकर के, वहां की जो कहानी बताई, हालत क्या थी वो बताया। तो गांधी जी ने कहा कि आई हैव टू बी इन कलकत्ता ऑन सच एंड सच अ डेट, कि मैं भाई फला फला डेट को कलकत्ता आऊंगा, तो कम एंड मीट मी, तो वहां आकर के मेरे से मिलना कलकत्ता में, एंड टेक मी फ्रॉम देयर, वहां से अपने साथ ले जाना, तो मैं कहां ले जाना है। तो वो डेट कई महीने बाद की थी, मंथ्स पास्ट, कई महीने बीत गए। शुक्ला वॉज सिटिंग ऑन हिज हाउंचेस, शुक्ल रेडी बैठा था, राजकुमार शुक्ल तैयार बैठा था, सिटिंग ऑन हिज हाउंचेस यानी तैयार बैठा था, एट द अपॉइंटेड स्पॉट इन कलकत्ता, कलकत्ता में जहां गांधी जी का अपॉइंटमेंट था उस जगह पे। व्हेन गांधी अराइव्ड ही वेटेड टिल गांधी वॉज फ्री, तो गांधी जी जब तक फ्री हुए तब तक वो वेट करता रहा कि गांधी जी जिस काम से हैं उनको वो काम करने दो। देन द टू ऑफ देम बोर्डेड अ ट्रेन फॉर द सिटी ऑफ पटना इन बिहार, तो फिर उन्होंने कोलकाता से एक ट्रेन पकड़ी जो पटना जाने वाली थी बिहार में। देयर शुक्ला लेड हिम टू द हाउस ऑफ ए लॉयर नेम्ड राजेंद्र प्रसाद, तो वहां से शुक्ला रेलवे, पटना में रेलवे स्टेशन से कहां लेके गया, वो एक लॉयर थे, वकील थे, उनका नाम था राजेंद्र प्रसाद, जो भारत के राष्ट्रपति भी बने, कांग्रेस पार्टी के राष्ट्र अध्यक्ष बने, प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस पार्टी और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑल्सो, भारत के राष्ट्रपति भी बने वो, कांग्रेस अध्यक्ष और भारत के राष्ट्रपति। तो राजेंद्र प्रसाद वॉज आउट ऑफ टाउन, शहर से बाहर थे, उसमें घर पे थे नहीं, लेकिन सर्वेंट्स जो है दे न्यू शुक्ला, वो जानते थे शुक्ला को, राजकुमार शुक्ला को, कि एक पुअर योमैन है, पुअर योमैन मीन्स किसान, कि वो एक गरीब किसान है, हु पेस्टर्ड देयर मास्टर टू हेल्प फॉर द इंडिगो शेयर क्रॉपर्स, जो हमेशा उनके मालिक को अर्थात राजेंद्र प्रसाद को परेशान करता रहता था, पेस्टर्ड यानी परेशान करता रहता था, पेस्टर्ड कि भाई आप हेल्प करो शेयर क्रॉपर्स की। सो दे लेट हिम स्टे ऑन द ग्राउंड्स विद हिज कंपेनियन, तो उन्होंने उसको परमिशन दे दी कि भाई आप यहाँ हमारे आंगन में सो जाओ अपने साथी के साथ, कंपेनियन के साथ। गांधी हुम दे टुक टू बी अनदर पीजेंट, तो उनका जो कंपेनियन थे गांधी, जिन्होंने, उन्होंने सोचा कि शायद ये भी कोई दूसरा ही किसान है, तो उस किसान के साथ कहा कि तुम दोनों यहाँ रेस्ट कर लो। बट गांधी वॉज नॉट परमिटेड टू ड्रॉ वाटर फ्रॉम द वेल, लेकिन गांधी जी को परमिशन नहीं दी कुएं से पानी खींचने की, कि भाई आप कुएं से पानी नहीं निकाल सकते, है ना। लेस्ट सम ड्रॉप्स फ्रॉम हिज बकेट पल्यूट द एंटायर सोर्स, लेस्ट यानी नहीं तो उनकी बकेट से अगर कुछ ड्रॉप गिर गई तो पूरा पानी पल्यूट हो जाएगा, गंदा हो जाएगा। उन्होंने सोचा कि गांधी जी क्या थे, हाउ डिड दे नो दैट ही वॉज नॉट एन अनटचेबल, उनको कैसे पता चले कि गांधी जी भी कोई अनटचेबल नहीं थे। तो उन्होंने सोचा कि गांधी जी किसी अनटचेबल कास्ट के हैं, उस समय अनटचेबिलिटी बहुत ज्यादा थी भारत में, है ना, छुआछूत बहुत ज्यादा था। तो गांधी डिसाइडेड टू गो फर्स्ट टू मुजफ्फरपुर, तो गांधी जी ने पहले मुजफ्फरपुर जाने का निश्चय किया, विच वॉज एन रूट टू चंपारण, जो कि चंपारण के रास्ते पर था, एन रूट टू चंपारण यानी चंपारण के रास्ते पर था। तो पहले उन्होंने कहा कि हम कहां जाएंगे, मुजफ्फरपुर, टू ऑब्टेन मोर कंप्लीट इन्फॉर्मेशन अबाउट कंडीशंस देन शुक्ला वॉज कैपेबल ऑफ इम्पार्टिंग, इनकी जितनी जानकारी शुक्ला दे सकता था उससे अधिक जानकारी लेने के लिए, मोर और कंप्लीट इन्फॉर्मेशन लेने के लिए वो कहां चले गए, मुजफ्फरपुर। ही अकॉर्डिंगली सेंट अ टेलीग्राम, तो उन्होंने पहले तार भेजा, पहले सिस्टम था, जल्दी से फोन तो लगते नहीं थे, बुक कराना पड़ता, तो टेलीग्राम उन्होंने भेज दिया, किसको, प्रोफेसर जेबी कृपलानी को, जो कि आर्ट्स कॉलेज मुजफ्फरपुर में प्रोफेसर थे, होम ही हैड सीन एट टैगोर शांति निकेतन स्कूल, जिनसे वो शांति निकेतन में पहले मिल चुके थे, रविंद्रनाथ टैगोर का स्कूल था शांति निकेतन स्कूल। द ट्रेन अराइव एट मिडनाइट, तो मुजफ्फरपुर में जो ट्रेन है आधी रात को पहुंची, 15 अप्रैल 1917। कृपलानी वॉज वेटिंग एट द स्टेशन, कृपलानी तो वेट ही कर रहे थे, विद अ लार्ज बॉडी ऑफ स्टूडेंट्स, बड़ा सा ग्रुप था स्टूडेंट्स का उनके साथ।
गांधी स्टेड देयर फॉर टू डेज इन द होम ऑफ प्रोफेसर मलकानी। तो प्रोफेसर मलकानी के घर पे 2 दिन वो रुके, एक कृपलानी उनको लेने आए थे, लेकिन उनका स्टे कहाँ रखा, प्रोफेसर मलकानी के घर पे, जो कि गवर्नमेंट स्कूल में टीचर थे। तो ये बात गांधी जी कहते हैं कि इट वॉज एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थिंग इन दोज डेज, उन दिनों ये बड़ी असाधारण बात थी, गांधी कमेंटेड, कि फॉर ए गवर्नमेंट प्रोफेसर टू हार्बर अ मैन लाइक मी, कि मेरे जैसे आदमी को, मेरा जैसा आदमी इनकी अंग्रेजों के खिलाफ बोलने वाले आदमी को, एक अंग्रेजों का नौकर, अंग्रेजी स्कूल का नौकर, इनकी जो सरकारी स्कूल में टीचर थे, वो अपने घर में रोक ले, तो ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थिंग थी, बड़ी असाधारण बात थी। इन स्मॉलर लोकेलिटीज द इंडियंस वर अफ्रेड टू शो सिंपैथी फॉर एडवोकेट्स ऑफ होम रूल, इनके छोटे छोटे शहरों में जो भारतीय थे वो डरते थे कि भाई जो आजादी के समर्थक लोग हैं, होम रूल के जो एडवोकेट्स हैं, एडवोकेट का अर्थ होता समर्थक, स्वराज्य के समर्थक लोगों को वो लोग क्या करते थे, उनके प्रति सहानुभूति नहीं दिखाते थे कि कहीं अंग्रेज नाराज नहीं हो जाए, वो हमें देख नहीं ले। द न्यूज ऑफ गांधी इज एडवेंट, तो गांधी जी के आगमन की, एडवेंट यानी आगमन की जो सूचना है, एंड द नेचर ऑफ हिज मिशन, कि वो किस मिशन से यहां आए हैं, उसका जब पता चला, स्प्रेड क्विकली थ्रू मुजफ्फरपुर, पूरे मुजफ्फरपुर में क्विकली तुरंत ही पता चल गया, एंड टू चंपारण, चंपारण में भी। तो शेयर क्रॉपर्स फ्रॉम चंपारण बिगेन अराइविंग ऑन फुट, तो सारे शेयर क्रॉपर्स वहां से आने लग गए गांधी जी से मिलने, पैदल ही ऑन फुट, और जिसके पास कन्वेंस साधन था तो वो अपना साधन लेके आने लग गए, सब टू सी द चैंपियन, अपने चैंपियन को देखने, जो उनके लिए लड़ने के लिए आया था, उनका दर्शन करने वो लोग आने लगे। मुजफ्फरपुर लॉयर्स कॉल्ड ऑन गांधी, मुजफ्फरपुर के जितने भी वकील थे वो भी गांधी जी से मिलने आए, टू ब्रीफ हिम कि सिचुएशन क्या है ये गांधी जी को बताने के लिए। दे फ्रीक्वेंटली रिप्रेजेंटेड पेजेंट ग्रुप्स इन कोर्ट, इनके वो जो वकील थे वो बार बार इन किसानों को कोर्ट में रिप्रेजेंट करते थे, उनकी तरफ से कोर्ट में लड़ते थे। दे टोल्ड हिम अबाउट देयर केसेस, तो उनसे वकीलों ने अपने अपने केस के बारे में बताया कि क्या क्या मैटर्स हैं और वो कितनी फीस लेते हैं, साइज ऑफ देयर फीस, अपनी फीस कितनी थी, वो सब भी बताया। गांधी चाइडेड द लॉयर्स, गांधी जी ने लॉयर्स को डांटा, चाइडेड फॉर कलेक्टिंग बिग फी फ्रॉम द शेयर क्रॉपर्स, कि आप इतनी बड़ी फीस ले रहे हो शेयर क्रॉपर से, गरीब किसानों से। तो उसने, गांधी जी ने क्या कहा, उन्होंने कि आई हैव कम टू द कंक्लूजन, मैं तो इस निर्णय पर पहुंच गया हूं, इस निष्कर्ष पर, कंक्लूजन पर पहुंच गया हूं कि वी शुड स्टॉप गोइंग टू द लॉ कोर्ट्स, कि हमें कोर्ट में जाने से रुकना पड़ेगा, अब नहीं जाना है, कोर्ट में नहीं जाना है, हमें स्टॉप करना है वो। टेकिंग सच केसेस टू द कोर्ट्स डज लिटिल गुड, इससे कुछ भला नहीं होने वाला, लिटिल गुड, कोई भला नहीं होगा। वेयर द पेजेंट्स आर शो क्रश्ड एंड फियर स्ट्रिकन, कि एक तरफ किसान है इतने ज्यादा दब गए हैं अपने परेशानियों के नीचे, वो डर गए हैं, डरे हुए हैं, फियर स्ट्रिकन हैं, तो लॉ कोर्ट्स आर यूजलेस, यहां पर जो है न्यायालय किसी काम का नहीं है, काम नहीं आ सकता। द रियल रिलीफ फॉर देम इज टू बी फ्री फ्रॉम फियर, इनको वास्तव में आराम कब मिलेगा, जब ये डर से मुक्त होंगे, फ्री फ्रॉम फियर होंगे। मोस्ट ऑफ द एरेबल लैंड इन द चंपारण डिस्ट्रिक्ट वॉज डिवाइडेड इन टू लार्ज ईस्टेट्स, वहां की ज्यादातर जो कृषि भूमि थी वो बड़े बड़े स्टेट में, बड़े बड़े खेतों में बटी हुई थी, ओन्ड बाय इंग्लिशमैन, अंग्रेज तो वहां के मालिक थे, और वर्क्ड बाय इंडियन टेनेंट्स, भारतीय किसान वहां पर काम करते थे। द चीप कॉमर्शियल क्रॉप वॉज इंडिगो, वहां की जो फसलों में कॉमर्शियल क्रॉप जिससे तुरंत पैसा मिलता था वो थी इंडिगो। द लैंडलॉर्ड्स कंपेल्ड ऑल टेनेंट्स, वहां जितने भी किसान थे, टेनेंट्स कहते जो किराए पर खेती करते हैं दूसरे के खेत में, ऐसे किसानों को टेनेंट कहते, तो वो कंपेल करते थे, मजबूर करते थे सभी किसानों को कि प्लांट 320th और 15% ऑफ देयर होल्डिंग्स विद इंडिगो, कि खेतों में 15% जो है वो इंडिगो की खेती करनी पड़ेगी, और जो 15% इलाके में जो इंडिगो की खेती हो रही है वो पूरी की पूरी सरेंडर करनी पड़ेगी, एंटायर इंडिगो हार्वेस्ट एज रेंट, जितनी भी इंडिगो होगी 15% एरिया में वो सब अंग्रेजों को सौंपनी है रेंट के रूप में, बाकी 85% पे जो होगा वो आप अपना लो। दिस वॉज डन बाय लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट, तो ये एक तरह से बहुत लंबे टाइम का कॉन्ट्रैक्ट कर लिया था, 15-20-25 साल का ऐसे। प्रेजेंटली द लैंडलॉर्ड्स लर्न्ड, तो अभी अचानक से क्या हुआ कि थोड़े दिन बाद कि उनको लैंडलॉर्ड्स को जो वहां के सामंत थे उनको पता चला कि जर्मनी हैड डेवलप्ड सिंथेटिक इंडिगो, कि जर्मनी के अंदर सिंथेटिक इनकी आर्टिफिशियल इंडिगो डेवलप हो गई है, अब खेतों में उगाने की जरूरत ही नहीं है। दे देयर अपॉन, तो उन्होंने क्या किया फिर, देयर अपॉन इन फिर ऑब्टेंड एग्रीमेंट्स फ्रॉम द शेयर क्रॉपर्स, उन्होंने शेयर क्रॉपर्स को, किसानों को ये बात नहीं बताई कि हमको ऐसी मिल चुकी है जो क्या कहते हैं सिंथेटिक इंडिगो मिल चुकी है, उन्होंने तो ऐसी कहा कि भाई कौन कौन किसान इस एग्रीमेंट से फ्री होना चाहते हैं, तो उन्होंने कहा कि आप हमारे साथ दूसरा एग्रीमेंट कर लो, आपको इंडिगो उगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और अगर आप इस पुराने वाले एग्रीमेंट से मुक्त होना चाहते हो, फ्री होना चाहते हो, तो हमको पे करना पड़ेगा, पे देम कंपेंसेशन, हमको थोड़ा जुर्माना देना पड़ेगा, हम आपको फ्री कर देंगे पुराने एग्रीमेंट से, बींग रिलीज फ्रॉम द 15% एग्रीमेंट, कि जो 15% का एग्रीमेंट है कि 15% पे इंडिगो होगा वो पूरी पूरी हमको सौंपो, ये एग्रीमेंट हम बंद कर देंगे अगर आप हमको थोड़ा कंपेंसेशन दे दो। तो जो शेयर क्रॉपर्स है, द शेयर क्रॉपिंग अरेंजमेंट वॉज इरक्सम टू सम पेजेंट्स, ये जो पहले वाला अरेंजमेंट है जो एग्रीमेंट उनके बीच कर रखा था, किसानों को बहुत चुभता था, देखो इससे क्या खेत खराब हो जाते थे, जहां जहां इंडिगो होती थी वहां पर दूसरी साल फसल भी कम होती थी, तो किसानों को बहुत मुश्किल होता था उसमें, तो बहुत से किसानों ने तो विलिंगली साइन कर दिया, अपनी इच्छा से ही साइन कर दिया कि भाई ठीक है एक बार पेमेंट ले लो और बाद में हमारे खेत तो खराब नहीं होंगे।
दोज हु रजिस्टर्ड, बहुत से लोगों ने रजिस्टर किया, विरोध किया, आप इस एग्रीमेंट से रिलीज करने का पैसा कैसे ले सकते हो। तो उन्होंने फिर इंगेज्ड लॉयर्स, उन्होंने लॉयर्स इंगेज किए, वकील किराए पर लिए, उन्होंने वकील अपनी तरफ से नियुक्त किए। द लैंडलॉर्ड्स हायर्ड ठग्स, तो लैंडलॉर्ड लोगों ने बहुत से ठग लगाए अपने किसानों को ठगने के लिए, भी उनको समझाते रहो कि इससे इतना फायदा है, ये इस तरह से किसान किसी तरह से झांसे में आ जाए और उनको कंपेंसेशन दे करके उस एग्रीमेंट से फ्री हो जाए। मीनवाइल द इन्फॉर्मेशन अबाउट द सिंथेटिक इंडिगो रीच द इलिटरेट पेजेंट्स। तभी इसी बीच ये सिंथेटिक इंडिगो जर्मनी में उग चुका है, जर्मनी में पैदा होना शुरू कर दिया उन्होंने फैक्ट्रियों में, ये खबर इलिटरेट किसानों को भी, निरक्षर किसानों को भी पहुंच गई, अनपढ़ किसानों तक भी ये खबर पहुंच गई। तो जिन्होंने साइन कर दिया था पहले ही, दे वॉन्टेड देर मनी बैक, कि हमको भी अपना पैसा वापस दो, ये तो आप अपने स्वार्थ के लिए हमको एग्रीमेंट से फ्री कर रहे हो, आपको तो इंडिगो चाहिए नहीं इसलिए हमको फ्री कर रहे हो, आपको तो इंडिगो मिल चुकी है सिंथेटिक इंडिगो। एट दिस पॉइंट गांधी अराइव्ड इन चंपारण, तभी गांधी जी चंपारण में पहुंचे, ऐसा हालात वहां पर चल रहे थे। ही बिगेन बाय ट्राइंग टू गेट द फैक्ट्स, सबसे पहले उन्होंने फैक्ट इकट्ठे किए। फर्स्ट ही विजिटेड द सेक्रेटरी ऑफ द ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स एसोसिएशन, तो किससे मिलने गए, जो ब्रिटिश लैंडलॉर्ड एसोसिएशन का सेक्रेटरी था, सचिव थे, उनसे मिलने गए। द सेक्रेटरी टोल्ड हिम, सेक्रेटरी ने उनको क्या बताया कि दे कुड नॉट गिव या दे कुड गिव नो इन्फॉर्मेशन टू एन आउटसाइडर, कि हम किसी आउटसाइडर को कोई सूचना नहीं दे सकते। गांधी जी को उन्होंने आउटसाइडर माना कि आप तो यहाँ के हुई नहीं। गांधी जी आंसर्ड दैट ही वॉज नो आउटसाइडर, गांधी जी ने कहा मैं कोई आउटसाइडर नहीं हूँ। नेक्स्ट गांधी कॉल्ड ऑन द ब्रिटिश ऑफिशियल कमिश्नर ऑफ द तिरहुत डिवीजन, तो गांधी जी दूसरे दिन संभागीय आयुक्त, ब्रिटिश ऑफिशियल जो कमिश्नर थे, आयुक्त थे तिरहुत संभाग के, जिसके अंदर चंपारण जिला भी पड़ता था, चार पांच जिले मिलकर के एक डिवीजन बनता ना, संभाग बनता, तो संभाग के जो संभागीय आयुक्त थे, कमिश्नर थे, उनसे मिलने गए। द कमिश्नर गांधी रिपोर्ट्स प्रोसीडेड टू बुली मी, कि उसने गांधी जी के ऊपर हावी होने की कोशिश की, बुली होने की कोशिश की, और एडवाइज्ड मी, उन्होंने गांधी जी को क्या सलाह दी, फोर्थविथ टू लीव तिरहुत, कि तुरंत प्रभाव से तिरहुत छोड़ के चले जाओ, तिरहुत डिवीजन है ना, जिसके अंदर चंपारण भी आता था और भी जिले थे। गांधी जी डिड नॉट लीव, गांधी जी ने वो जिला नहीं छोड़ा। इंस्टीड इसकी बजाय गांधी जी ने क्या किया, इंस्टीड ही प्रोसीडेड टू मोतिहारी, वो मोतिहारी की ओर चलने लगे। मोतिहारी चंपारण की राजधानी थी, द कैपिटल ऑफ चंपारण। सेवरल लॉयर्स अकंपैनीड हिम, गांधी जी के साथ बहुत से लॉयर्स भी गए, बहुत से लॉयर्स गांधी जी के साथ थे। एट द रेलवे स्टेशन, तो रेलवे स्टेशन पर क्या हुआ, अ वास्ट मल्टीट्यूड ग्रेटेड गांधी जी, बड़ी सी भीड़ आई गांधी जी का वेलकम करने मोतिहारी में। ही वेंट टू अ हाउस, तो वहां पर एक घर में चले गए गांधी जी, यूजिंग इट एज हेडक्वार्टर्स, उसी घर को उन्होंने अपना हेडक्वार्टर बना लिया, मुख्यालय बना लिया, और कंटिन्यूड हिज इन्वेस्टिगेशन, अपनी जांच पड़ताल जारी रखी कि भी कितना अन्याय किया अंग्रेजों ने, ये सब जांच पड़ताल करते रहे, गांधी जी तो वकील थे खुद। अ रिपोर्ट केम इन, तभी एक रिपोर्ट आई दैट अ पेजेंट हैड बीन मैलट्रीटेड इन अ नियर बाय विलेज, कि एक नजदीकी गांव में एक किसान के साथ बहुत दुर्व्यवहार हुआ था, किसी अंग्रेज ने दुर्व्यवहार किया था। गांधी जी डिसाइडेड टू गो एंड सी, गांधी जी तक मैं जाके मिलता हूं उससे। द नेक्स्ट मॉर्निंग ही स्टार्टेड आउट ऑन द बैंक ऑफ एन ऑन द बैक ऑफ एन एलिफेंट, तो हाथी पर सवार होकर दूसरे दिन सुबह गांधी जी निकल गए वहां से, रवाना हुए। ही हैड नॉट प्रोसीडेड फार, क्योंकि ज्यादा दूर नहीं निकले थे, प्रोसीडेड फार, ज्यादा दूर नहीं निकले थे। तभी क्या हुआ, द पुलिस सुपरिटेंडेंट्स मैसेंजर ओवरटुक हिम, जो एसपी पुलिस सुपरिटेंडेंट है ना, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, एसपी का जो दूत है वो ओवरटुक हिम, उनसे आगे निकला, और ऑर्डर्ड हिम टू रिटर्न टू द टाउन, उनको क्या आदेश दिया, तुरंत वापस टाउन में, शहर में आ जाओ, उस गांव में जाने की जरूरत नहीं है। तो गांधी जी कहां जा रहे थे, उस किसान से मिलने जा रहे थे जिसके साथ दुर्व्यवहार हुआ था। तो उस मैसेंजर ने, जो कि पुलिस एसपी का मैसेंजर था, उसने कहा कि आप तुरंत शहर लौट जाओ इन हिज कैरेज, मेरी गाड़ी में, तो वो अपनी घोड़ा गाड़ी में उनको ले जाना चाहता था। गांधी कंप्लाइड, गांधी जी ने जो उसके पास ऑर्डर था उस ऑर्डर को मान लिया। मैसेंजर ड्रो गांधी होम वेयर ही सर्व्ड हिम विद एन ऑफिशियल नोटिस, गांधी जी को वो लेकर के कहां गया, घर पे लेकर गया, और वहां पर उसको गांधी जी को एक नोटिस दिया, और नोटिस में क्या था, टू क्विट चंपारण इमीडिएटली, कि तुरंत आप चंपारण छोड़ दें, ऐसा रिटन ऑर्डर गांधी जी को दिया। गांधी जी साइंड अ रिसिप्ट फॉर द नोटिस, गांधी जी ने उस नोटिस को रिसीव कर लिया, उसको रिसिप्ट दे दी, भाई मैंने रिसीव कर लिया नोटिस, और उस नोटिस के ऊपर ही लिख दिया, रोट ऑन इट दैट ही वुड डिसओबे द ऑर्डर, कि मैं इस आदेश को डिसओबे करूंगा, इस आदेश को नहीं मानूंगा। इन कॉन्सिक्वेंस गांधी रिसीव्ड अ समन्स टू अपियर इन द कोर्ट नेक्स्ट डे, तो परिणाम स्वरूप हुआ क्या, गांधी जी ने डिसओबे किया, तो गांधी जी को दूसरे दिन कोर्ट में पेश होने के लिए ऑर्डर आ गए, समन्स आ गए, कोर्ट के ऑर्डर को समन कहते हैं, समन्स, तो समन्स मिल गया कि नेक्स्ट डे आपको कोर्ट में पेश होना है। अब नेक्स्ट डे कोर्ट में पेश होने पर क्या है, जज जेल भी भेज सकता था। तो ऑल नाइट गांधी रिमेंड अवेक, उस रात गांधी जी पूरी रात जागते रहे। ही टेलीग्राफ्ड राजेंद्र प्रसाद, राजेंद्र प्रसाद को टेलीग्राम भेजा कि आप बिहार से आओ, कम फ्रॉम बिहार विद इन्फ्लुएंशियल फ्रेंड्स, अपने प्रभावशाली मित्रों के साथ, जो भी प्रभावशाली इन्फ्लुएंशियल फ्रेंड्स थे सबको लेकर आओ। ही सेंट इंस्ट्रक्शंस टू द आश्रम, आश्रम को निर्देश भेजे कि भाई मेरे साथ ऐसा ऐसा हो सकता है। ही वायर्ड अ फुल रिपोर्ट टू द वॉइस रॉय, भारत के जो वॉइस रॉय थे, जो सबसे सुप्रीम अंग्रेज ऑफिसर थे, दिल्ली में बैठते थे, उनको भी रिपोर्ट भेजी कि ऐसा ऐसा मेरे साथ व्यवहार हो रहा है। तो दूसरे दिन सुबह क्या हुआ, मॉर्निंग फाउंड द टाउन ऑफ मोतिहारी ब्लैक विद पेजेंट्स, पूरा शहर किसानों से भर गया। ब्लैक किसलिए कहा, किसान सब ज्यादातर काले कलर के थे, तो पूरा शहर काला काला दिख रहा था, इनके किसानों से भर गया था।
दे डिड नॉट नो गांधी इज रिकॉर्ड इन साउथ अफ्रीका। उन किसानों को गांधी जी के पुराने रिकॉर्ड के बारे में, भाई साउथ अफ्रीका में ऐसा ऐसा किया उसके बारे में कुछ पता नहीं था। दे हैड मेयरली हर्ड, उन्होंने किसानों ने तो सिर्फ इतना ही सुना था, मेयरली केवल इतना ही सुना था कि एक महात्मा हु वॉन्ट्स टू हेल्प देम वॉज इन ट्रबल, जो उनकी मदद करना चाहता है वो समस्या में है, वो ट्रबल में है, परेशानी में है अथॉरिटीज की वजह से, प्रशासन की वजह से। देयर स्पॉन्टेनियस डेमोंस्ट्रेशन, तो उनका ये जो स्वतः स्फूर्त आंदोलन है, प्रदर्शन है, बिना किसी ऑर्गेनाइजेशन के, बिना कोई बुलाए, अपनी मर्जी से वो इतने लोग इकट्ठे हो गए हजारों की संख्या में अराउंड द कोर्ट हाउस, उस कोर्ट के पास, वॉज द बिगनिंग ऑफ द लिबरेशन फ्रॉम फियर ऑफ द ब्रिटिश। अंग्रेजों से, अंग्रेजों के डर से मुक्ति की शुरुआत थी। इट वॉज द लिबरेशन, मुक्ति, बिगनिंग ऑफ लिबरेशन, मुक्ति की शुरुआत थी। किससे? अंग्रेजों के भय से, फियर से। द ऑफिशियल्स फेल्ट पावरलेस, हजारों लोगों के सामने अंग्रेज अफसर भी एकदम पावरलेस हो गए, क्या करें, विदाउट गांधीज कोऑपरेशन, गांधी जी के सहयोग के बिना कुछ भी नहीं हो सकता था, वो एकदम पावरलेस फील कर रहे थे अंग्रेज। ही हेल्प देम रेगुलेट द क्राउड, तो गांधी जी ने हेल्प किया उनको भीड़ को नियंत्रित करने में, गांधी जी ने भीड़ को उकसाया नहीं, कहने का मतलब यह है। ही वॉज पोलाइट, गांधी जी ने बहुत पोलाइटली उनके साथ बिहेव किया, फ्रेंडली बिहेव किया। ही वॉज गिविंग दैम कॉन्क्रीट प्रूफ, गांधी जी ने एक तरह से उनको ये प्रूफ दे दिया, ठोस सबूत दे दिया कि उनकी शक्ति, अंग्रेजों की जो माइट है, माइट यानी शक्ति, हाइदर टू ड्रेडेड, आज तक वो कैसी थी, भयंकर थी, अनक्वेश्चन थी, उस पर कोई प्रश्न नहीं उठाता था अंग्रेजों की शक्ति पे, अब कुड बी चैलेंज्ड बाय इंडियंस, भारतीय चाहे तो उस शक्ति को चैलेंज कर सकते हैं। तो ये गांधी जी ने उनको इस बात का कॉन्क्रीट प्रूफ दे दिया, सबूत दे दिया। गवर्नमेंट वॉज बैफल्ड, गवर्नमेंट एकदम पगला गई, बैफल हो गई, क्या करे क्या नहीं करे। द प्रोसिक्यूटर रिक्वेस्टेड द जज टू पोस्टपोन द ट्रायल, तो जो सरकारी वकील था उसने जज से रिक्वेस्ट किया कि आप ट्रायल को, सुनवाई को पोस्टपोन कर दो, आज कुछ भी सजा वगैरह मत देना, लोग भरे हुए वो कुछ भी कर सकते हैं। अपेरेंटली द अथॉरिटीज विश्ड, तो स्पष्ट था कि जो अथॉरिटीज है वो क्या करना चाहती थी, अपने सुपीरियर से कंसल्ट करना चाहती थी कि इस मामले में क्या किया जाए। गांधी प्रोटेस्टेड अगेंस्ट द डिले, तो गांधी जी ने विरोध किया कि भी डिले क्यों किया जा रहा है, मैंने अपराध किया मुझे सजा दी जाए। ही रेड अ स्टेटमेंट प्लीडिंग गिल्टी, उन्होंने एक स्टेटमेंट पढ़ा वहां पर जिसमें उन्होंने कहा कि मैं अपराधी हूं, मैं दोषी हूं। ही वॉज इन्वॉल्व, कि मैं इस अपराध में शामिल हूं, मैंने सरकारी आदेश को मानने से इंकार किया है। ही टोल्ड द कोर्ट इन अ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ ड्यूटीज, ऑन द वन हैंड नॉट टू सेट अ बैड एग्जाम्पल एज ए लॉ ब्रेकर, ऑन द अदर हैंड टू रेंडर द ह्यूमैनिटेरियन एंड नेशनल सर्विस फॉर विच ही हैड कम। तो उन्होंने कोर्ट को कॉन्फ्लिक्ट ऑफ ड्यूटीज बताया कि मेरे ड्यूटीज में कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, कॉन्फ्लिक्ट यानी विरोधाभास हो रहा है, विरोध हो रहा है। एक तरफ तो मेरी ड्यूटी है कि मैं कोई बुरा एग्जाम्पल सेट नहीं करूं कानून तोड़ करके, कानून तोड़ना एक बुरा एग्जाम्पल है, और दूसरी तरफ मानवतावादी और राष्ट्रीय सेवा करनी है मुझे अपने देश के लिए, जिसके लिए मैं यहां आया हूं, तो मुझे क्या करना है। ही डिसरिगार्डेड द ऑर्डर टू लीव, उन्होंने जो चंपारण छोड़ने का आदेश है उसको डिसरिगार्ड किया था, मानने से मना कर दिया था। नॉट फॉर वॉन्ट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर लॉफुल अथॉरिटी, बोला मैं कोई कानून का विरोधी नहीं हूं, मैं अथॉरिटीज का विरोधी नहीं हूं, ऐसा नहीं है, बट इन ओबीडियंस टू द हायर लॉ ऑफ आवर बीइंग, उन्होंने कहा कि मैं मानता हूं एक बड़ा कानून, द वॉइस ऑफ कॉन्शियस, मेरी आत्मा की आवाज, अंदर की चेतना की आवाज को मानता हूं, उसने मुझे कहा कि यह मानने लायक ऑर्डर नहीं है। एंड ही आस्क द पेनल्टी ड्यू, तो उन्होंने कहा कि जो कानूनन जो भी पेनल्टी लगनी चाहिए मेरे खिलाफ, जो सजा होनी चाहिए वो मुझे दी जाए। द मजिस्ट्रेट अनाउंस्ड, द मजिस्ट्रेट ने क्या अनाउंस किया, दैट ही वुड प्रोनाउंस सेंटेंस, कि वो सजा की घोषणा करेगा आफ्टर अ 2 आवर रिसेस, 2 घंटे के ब्रेक के बाद, रिसेस मींस ब्रेक। एंड आस्क गांधी टू फर्निश बेल फॉर दोज 120 मिनट्स, गांधी जी को कहा कि आप जमानत, आपको मैं 2 घंटे के लिए जमानत दे रहा हूं, आप कहीं भी जा सकते हो, 120 मिनट के लिए जमानत जमा कर दो, फर्निश बेल, जमानत के लिए कुछ भी पैसा वगैरह या किसी आदमी की जमानत आप यहां पर जमा करो, फर्निश करो। तो गांधी रिफ्यूज्ड, गांधी जी का मेरे पास कोई जमानत ही नहीं है। द जज रिलीज्ड हिम विदाउट बेल, जज ने बिना जमानत के उनको फ्री कर दिया। व्हेन द कोर्ट रिकन्वेंड, 2 घंटे बाद जब कोर्ट वापस शुरू हुआ, द जज सैड कि ही वुड नॉट डिलीवर द जजमेंट ऑन सेवरल डेज, फॉर सेवरल डेज, कि मैं कई दिन तक इस मामले में निर्णय नहीं सुनाऊंगा, उन्होंने निर्णय सुना कब सुनाऊंगा वो डेट भी नहीं बताई। मीनवाइल ही अलाउड गांधी टू रिमेन एट लिबर्टी, तब तक उन्होंने कहा कि गांधी जी स्वतंत्र है, वो कुछ भी कर, मतलब कहीं भी जा सकते हैं, आ सकते हैं, उनको गांधी जी को कोई जमानत लेने की भी जरूरत नहीं, उनको फ्री कर दिया। तो जो राजेंद्र प्रसाद है, ब्रज किशोर बाबू है, मौलाना मजरुल हक है, और इसी तरह से बहुत से दूसरे वकील भी, प्रोमिनेंट लॉयर्स, इंपॉर्टेंट वकील जो थे वो बिहार से आए थे यहां पर, दे कन्फर्ड विद गांधी, तो वो पूरा गांधी जी से बात किया उन्होंने। व्हाट वुड दे डू इफ ही वॉज सेंटेंस टू प्रिजन, गांधी जी आस्क्ड, गांधी जी ने उनको पूछा कि अगर मुझे जेल हो गई तो आप लोग क्या करोगे। वाई, द सीनियर लॉयर रिप्लाइड, कि जो सीनियर लॉयर था उसने रिप्लाई दिया कि दे हैड कम टू एडवाइज एंड हेल्प हिम, कि भाई हम तो आपको एडवाइज करने आए हैं, आपको हेल्प करने आए हैं, इफ ही वेंट टू जेल देयर वुड बी नोबडी टू एडवाइज, कि आप जेल चले जाओगे तो हम किसको एडवाइज करेंगे, इसलिए दे वुड गो होम, हम तो अपने घर चले जाएंगे। तब गांधी जी ने पूछा कि वॉट अबाउट द इनजस्टिस टू द शेयर क्रॉपर्स, तो फिर जो किसानों के साथ अन्याय हो रहा है इसका क्या होगा, गांधी डिमांडेड, गांधी जी ने उनसे ये क्वेश्चन पूछा, मांग किया। द लॉयर्स विथड्रू टू कंसल्ट, तो वकील ने कहा कि हमको थोड़ा टाइम दो, वो थोड़ा पीछे हटे कि हम कंसल्ट करना चाहते हैं कि हम क्या करेंगे। राजेंद्र प्रसाद हैज रिकॉर्डेड द अपशॉट ऑफ देयर कंसल्टेशंस, तो राजेंद्र प्रसाद ने फिर उस बात को बताया कि उन्होंने क्या क्या कंसल्टेशन किया। दे थॉट अमंगस्ट देमसेल्व्स, उन लोगों ने अपने बीच में यह सोचा कि गांधी वॉज टोटली अ स्ट्रेंजर, कि तो बाहर का आदमी है, यहां इस इलाके में एकदम स्ट्रेंजर है, अजनबी है, येट ही वॉज प्रिपेयर टू गो टू प्रिजन, और वो फिर भी वो जेल जाने को रेडी है, फॉर द सेक ऑफ पेजेंट्स, उन किसानों के लिए।
इफ दे ऑन द अदर हैंड बीइंग नॉट ओनली रेजिडेंट्स ऑफ द एडजॉइनिंग डिस्ट्रिक्ट्स, और दूसरी तरफ वो लोग थे जो न केवल आसपास के जिलों के निवासी थे, रेजिडेंट्स निवासी एडजॉइनिंग डिस्ट्रिक्ट यानी आसपास के जिले, वो सिर्फ आसपास के निवासी नहीं थे बट ऑल्सो दोज हु क्लेम्ड टू हैव सर्व्ड पेजेंट्स, जो हमेशा दावा करते थे, क्लेम करते थे कि हमने इन किसानों को सर्व किया है, सेवा की है किसानों की, अगर वो लोग भी शुड गो होम, घर चले गए, तो इट वुड बी अ शेमफुल डेजर्शन। तो इस तरह से वो तो शर्मनाक भगोड़े कहलाएंगे, ये तो एक तरह से भाग जाना होगा, मैदान छोड़ के भाग जाना हो जाएगा। सो दे अकॉर्डिंगली वेंट बैक टू गांधी, तो वापस वो गांधी जी के पास गए और उनको बताया दैट दे वर रेडी टू फॉलो हिम इन टू जेल, कि वो उनके पीछे पीछे जेल जाने को तैयार है। द बैटल ऑफ चंपारण इज वॉन, तो गांधी जी का ये स्टेटमेंट था कि अब चंपारण का युद्ध हम जीत चुके हैं, अगर आप लोगों के अंदर जेल का डर नहीं है, इट मीन्स हम ये युद्ध जीत चुके हैं। देन ही टुक अ पीस ऑफ पेपर एंड डिवाइडेड द ग्रुप इनटू पेयर्स, तो फिर उन्होंने एक कागज का टुकड़ा लिया और उस जो वकीलों का जो ग्रुप है उसको पेयर्स में डिवाइड किया और पुट डाउन द ऑर्डर इन विच ईच पेयर वॉज टू क्वार्टर अरेस्ट, कि भाई आपको किस किस दिन गिरफ्तारी देनी है, क्वार्टर अरेस्ट करना, क्वार्टर अरेस्ट करना यानी अपनी तरफ से गिरफ्तारी देना, मुझे गिरफ्तार करो। तो कई लोग ऐसे विरोध में, सरकार के विरोध में गिरफ्तारियां देते हैं, तो ऐसे गांधी जी ने प्लान करवाया कि आप लोगों को गिरफ्तारी देनी है अलग अलग ग्रुप्स में। सेवरल डेज लेटर गांधी रिसीव्ड अ रिटन कम्युनिकेशन फ्रॉम द मजिस्ट्रेट इन्फॉर्मिंग हिम, कई दिन बाद गांधी जी को एक लेटर मिला, रिटन कम्युनिकेशन, लिखित पत्र मिला, जिसमें मजिस्ट्रेट ने उनको इन्फॉर्म किया था कि जो लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ द प्रोविंस, कि उस प्रांत का, उस स्टेट का, राज्य का, जैसे उत्तर प्रदेश टाइप उस समय जो भी प्रांत था उस इलाके का, बिहार या, तो वहां के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर थे, दे हैड ऑर्डर्ड द केस टू बी ड्रॉप्ड, उन्होंने ऑर्डर दिया था कि यह केस ड्रॉप कर दिया जाए, गांधी जी के खिलाफ जो केस था वो खत्म हो गया। सिविल डिसओबीडियंस हैड ट्रायम्फ्ड, तो इस तरह से ये जो सिविल डिसओबीडियंस है, सविनय अवज्ञता, इनके बिना किसी वॉयलेंस के सरकार की खिलाफत करना, उनका विरोध करना, तो ये एक तरह का जो सिविल डिसओबीडियंस है ये ट्रायम्फ कर चुकी थी, जीत चुकी थी, विन हो चुकी थी, है ना। द फर्स्ट टाइम इन मॉडर्न इंडिया, आधुनिक भारत में पहली बार ऐसा कोई मूवमेंट था जो जीत गया अंग्रेजों के खिलाफ। गांधी एंड द लॉयर्स नाउ प्रोसीडेड टू कंडक्ट अ फार फ्लंग इंक्वायरी इनटू द ग्रीवेंसेस ऑफ द फार्मर्स, तो गांधी जी और जो दूसरे वकील थे उन्होंने अब आगे बढ़े, बोला प्रोसीड किया कि हम एक इंक्वायरी कंडक्ट करेंगे, लंबी चौड़ी जांच करेंगे, फार फ्लंग इंक्वायरी, किसकी, जो दुख दर्द है, ग्रीवेंसेस ऑफ द फार्मर्स, किसानों की जो समस्याएं हैं उस पर हम एक इंक्वायरी करेंगे। डिपोजिशंस बाय अबाउट 10,000 पेजेंट्स वर रिटन डाउन, करीब 10,000 किसानों के बयान लिखे उन्होंने, नोट्स बनाए ऑन ईच ऑन अदर एविडेंस, दूसरे सारे एविडेंस के भी नोट्स बनाए, डॉक्यूमेंट्स वर कलेक्टेड, उनसे डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट किए, उन किसानों ने जो कर रखा था उनके साथ एग्रीमेंट, वो सारे डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट किए। द होल एरिया थ्रब्ड विद द एक्टिविटी ऑफ द इन्वेस्टिगेटर्स, पूरा एरिया ऐसे थ्रब भर गया था और ऐसे वहाँ एक्टिविटी चल रही थी इन्वेस्टिगेटर्स की, और वेहमेंट प्रोटेस्ट ऑफ द लैंडलॉर्ड्स, जो लैंडलॉर्ड्स है वो जबरदस्त प्रदर्शन कर रहे थे इनके खिलाफ कि हमारे खिलाफ कैसे जांच हो सकती है। तो एक तरफ किसानों की एक्टिविटी चल रही थी, दूसरी तरफ उनके प्रदर्शन भी चल रहे थे। इन जून गांधी वॉज समंड टू सर एडवर्ड गेट, तो गांधी जी को बुलाया गया टू सर एडवर्ड गेट द लेफ्टिनेंट गवर्नर, जो उस प्रोविंस के स्टेट के लेफ्टिनेंट गवर्नर थे, उपराज्यपाल थे, उनके पास बुलाया। बिफोर ही वेंट, तो उनके पास मिलने के लिए गए उससे पहले गांधी जी, ही मैट लीडिंग एसोसिएट्स, तो अपने जो साथी थे उन सबसे मिले, मुख्य मुख्य साथियों से, लीडिंग एसोसिएट से, और अगेन लेड डिटेल्ड प्लान्स फॉर सिविल डिसओबीडियंस इफ ही शुड नॉट रिटर्न, गांधी जी का अगर मैं नहीं लौटूं, अगर मुझे वहीं से जेल भेज दें तो आपको सिविल डिसओबीडियंस किस तरीके से करना है उसकी पूरी डिटेल प्लान बना के गए गांधी जी। गांधी हैड 4 प्रोट्रैक्टेड इंटरव्यूज विद द लेफ्टिनेंट गवर्नर, तो लेफ्टिनेंट गवर्नर के साथ गांधी जी के 4 बार इंटरव्यू हुए, 4 बार वो मिले गांधी जी से, हु एज अ रिजल्ट अपॉइंटेड एन ऑफिशियल कमीशन, तो गांधी जी ने फिर उस लेफ्टिनेंट गवर्नर ने इस बातचीत के परिणाम स्वरूप एज ए रिजल्ट एक अपॉइंट किया, नियुक्त किया कमीशन, जांच आयोग गठित किया, ऑफिशियल कमीशन, इस मामले में इंक्वायरी करने के लिए, कि इंक्वायरी इनटू द इंडिगो शेयर क्रॉपर सिचुएशन, क्योंकि उनकी क्या हालत है, उसमें इंक्वायरी करने के लिए कमीशन बनाया। द कमीशन कंसिस्टेड ऑफ लैंडलॉर्ड्स, उसके अंदर कमीशन कौन कौन थे, लैंडलॉर्ड भी थे, गवर्नमेंट ऑफिशियल भी थे, और गांधी जी खुद भी थे जो किसानों के प्रतिनिधि के रूप में। गांधी रिमेंड इन चंपारण फॉर एन इनिशियल अनइंटरप्टेड पीरियड ऑफ 7 months, तो लगातार 7 महीने तक गांधी जी चंपारण में रहे, और उसके बाद फिर वो सेवरल शॉर्टर विजिट्स, छोटी छोटी विजिट्स और भी करते रहे। इस तरह से जो विजिट अंडरटेकन कैजुअली ऑन द एंट्रिटी ऑफ एन अनलेटर्ड पेजेंट, इनकी जो पहली विजिट जो गांधी जी ने किस लिए की थी, एक बस अनलेटर्ड पेजेंट, अशिक्षित अनपढ़ किसान की रिक्वेस्ट पर, एंट्रिटी पर उन्होंने यात्रा शुरू की थी, इस एक्सपेक्टेशन में कि इट वुड लास्ट अ फ्यू डेज, कि थोड़े ही दिन जाके वापस आ जाऊंगा, थोड़े दिन चलेगी मेरी यात्रा। ऑक्यूपाइड ऑलमोस्ट अ ईयर ऑफ गांधीज लाइफ, गांधी जी के पूरे जीवन का 1 साल लगभग चंपारण में बीता, 7 महीने एक साथ और बाद में थोड़ा थोड़ा समय। द ऑफिशियल इंक्वायरी असेंबल्ड अ क्रशिंग माउंटेन ऑफ एविडेंस अगेंस्ट द विग प्लांटर्स, तो जो ऑफिशियल इंक्वायरी जब बैठी, वो कमीशन की इंक्वायरी शुरू हुई, तो उनके सामने तो उन्होंने माउंटेन खड़ा कर दिया सबूतों का, पहाड़ खड़ा कर दिया, कितने सारे सबूत थे, क्योंकि गांधी जी ने सारे वो पहले से इकट्ठे कर लिए थे सबूत उन बिग प्लांटर्स, इनकी उन जो लैंडलॉर्ड्स थे उनके खिलाफ। एंड व्हेन दे सॉ दिस दे एग्रीड इन प्रिंसिपल, इतने सारे सबूत देखते ही वो लोग तो तैयार हो गए कि अब कुछ नहीं हो सकता,
सिद्धांत रूप से इन प्रिंसिपल हम तैयार हैं कि हम रिफंड कर देंगे किसानों से जिनको एग्रीमेंट से रिलीज करने के लिए पैसा लिया था, उस पैसे को हम रिफंड कर देंगे। बट हाउ मच मस्ट वी पे, दे आस्क गांधी जी। उनका कि हमें कितना पैसा लौटाना पड़ेगा। उन्होंने सोचा कि उन्होंने किसानों से बहुत पहले लिया था पैसा, वो तो खर्च भी हो गया, पता नहीं किसानों को कितना वापस देना पड़ेगा। दे थॉट ही वुड डिमांड रीपेमेंट इन फुल ऑफ द मनी। उन्होंने क्या सोचा कि गांधी जी फुल रीपेमेंट मांगेंगे, पूरा पैसा वापस दो। उन्होंने सोचा कि गांधी जी पूरा पैसा वापस मांगेंगे, विच दे हैड इलीगली एंड डिसीटफुली एक्सट्रॉटेड फ्रॉम द शेयर क्रॉपर्स, जो उन्होंने शेयर क्रॉपर्स से, किसानों से इलीगली, अवैधानिक रूप से, गैर कानूनी रूप से और धोखे से एक्सट्रॉट किया था, निकाला था, किसानों से पैसा लिया था। ही आस्क्ड ओनली 50%, लेकिन गांधी जी ने पूरा पेमेंट नहीं मांगा, उन्होंने सिर्फ 50% ही पैसा वापस मांगा। देयर ही सीम्ड एडमंट, वहां पर वो अड़ गए, नहीं 50% का चाहिए। राइट्स रिवरेंड जे जेड हॉज, तो एक तो कोई पादरी थे जे जेड हॉज, वो लिखते हैं कि गांधी जी अड़ गए कि 50% का चाहिए, जो कि ब्रिटिश मिशनरी थे चंपारण में, जो इस पूरे एपिसोड को, एंटायर एपिसोड को नजदीक से देख रहे थे। तो उन्होंने ये कहा कि गांधी जी 50% पे अड़ गए, थिंकिंग प्रोबेबली दैट ही वुड नॉट गिव वे। तो जब सोचा कि गांधी जी अब मानेंगे तो नहीं, फिर भी द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द प्लांटर्स ऑफर टू रिफंड टू द एक्सटेंट ऑफ 25%। उनका एक प्रतिनिधि बोला कि हम 25% रिफंड कर देंगे। एंड टू हिज अमेजमेंट, वो भी आश्चर्यचकित हो गया जब गांधी जी टुक हिम एट हिज वर्ड, कि उसी के शब्द पर, टुक हिम एट हिज वर्ड यानी उसके बोले हुए शब्द को मान गए, थस ब्रेकिंग द डेडलॉक। इस तरह से ये जो अवरोध है, जो जिस बात पे वो अड़ गए थे 50% या उससे कम, वो मिट गया और वो 25% पे गांधी जी राजी हो गए। दिस सेटलमेंट वॉज अडॉप्टेड यूनानिमसली, यह जो व्यवस्था है यूनानिमसली सर्वसम्मति से अडॉप्ट कर ली कमीशन ने, है ना, कमीशन ने सर्वसम्मति से निर्णय कर लिया कि जिन किसानों से उन्होंने पैसा लिया था 25% पैसा उनको रिफंड करना होगा। फिर गांधी जी ने ये एक्सप्लेन किया कि अमाउंट ऑफ द रिफंड वॉज लेस इंपॉर्टेंट, कि जो रिफंड की अमाउंट है वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, बजाय इस फैक्ट के कि लैंडलॉर्ड्स हैड बीन ऑब्लाइज्ड टू सरेंडर अ पार्ट ऑफ मनी, कि उनको पहली बार ऑब्लाइज किया गया, मजबूर किया गया अपना पैसा सरेंडर करने के लिए, और उस पैसे के साथ पार्ट ऑफ देयर प्रेस्टाइज, थोड़ी उनकी प्रतिष्ठा भी गई, पहली बार अंग्रेजों को मजबूर किया गया कि हमारा पैसा लौटाओ। देयरफॉर एज फार एज द पेजेंट्स वर कंसर्न्ड, जहां तक किसानों की बात थी, द प्लांटर्स हैड बिहेव्ड एज लॉर्ड्स अबव द लॉ, जहां तक उन जो जमींदार किसानों की बात, जमींदारों की बात थी, वो हमेशा अपने आप को लॉ से ऊपर मानते थे। नाउ पेजेंट सॉ दैट ही हैड राइट्स, अब किसानों को भी लगने लगा, भारतीय किसानों को भी लगने लगा कि उसके पास भी राइट्स है, अधिकार है, और डिफेंडर्स, उसकी रक्षा करने वाले लोग भी हैं। ही लर्न करेज, तो भारतीय किसान ने भी करेज सीखी, हिम्मत सीखी। इवेंट्स जस्टिफाइड गांधीज पोजिशन, आगे की जो इवेंट्स है, घटनाएं जो घटी, वो गांधी जी की पोजिशन को एकदम जस्टिफाई करती थी कि गांधी जी सही थे। विद इन अ फ्यू ईयर्स जो ब्रिटिश प्लांटर्स है, ब्रिटिश जो लैंडलॉर्ड्स है, दे अबैंडन्ड देयर एस्टेट्स, वो अपना इलाका छोड़ के चले गए, अपने खेतों को छोड़ के, विच रिवर्टेड टू द पेजेंट्स, और वो खेत किसानों के पास आ गए। इंडिगो शेयर क्रॉपिंग डिसअपियर्ड, और इस तरह से वहां पर इंडिगो की जो खेती है वो डिसअपियर हो गई, अब कोई खेती नहीं करता था इंडिगो की। गांधी नेवर कंटेंटेड हिमसेल्फ विद द लार्ज पॉलिटिकल और इकोनॉमिक सॉल्यूशंस, गांधी जी अपने आप को कभी संतुष्ट नहीं करते थे कि सिर्फ पॉलिटिकल सॉल्यूशन मिल जाए या इकोनॉमिक सॉल्यूशन मिल जाए। वो क्या चाहते थे, वो चाहते थे कि यहां पर कल्चरल और सोशल बैकवर्डनेस बहुत ज्यादा है, यानी कि सांस्कृतिक दृष्टि से और सामाजिक दृष्टि से बहुत पिछड़ापन था चंपारण के गांवों में, और वांटेड टू डू समथिंग अबाउट इट इमीडिएटली, गांधी जी चाहते थे कि मैं इस बारे में भी कुछ करना चाहता हूं तुरंत। ही अपील्ड फॉर टीचर्स, तो उन्होंने पूरे भारत में अपील किया कि कोई टीचर्स आना चाहे चंपारण में, तो महादेव देसाई, नरहरि पारीख, टू यंग मैन हु हैड जस्ट जॉइंड गांधी एज हिज डिसाइपल्स, जिन्होंने गांधी जी को ज्वाइन किया ही था उनके शिष्यों के रूप में, गांधी जी के चेलों के रूप में, स्टूडेंट्स के रूप में, तो वो तैयार हो गए। एंड देयर वाइव्स आल्सो, उनकी पत्नियां भी, दे वॉलंटियर्ड फॉर द वर्क, तो उन्होंने कहा कि हम टीचर का काम कर लेंगे। सेवरल मोर केम फ्रॉम बॉम्बे, पुणे एंड अदर डिस्टेंट पार्ट्स ऑफ द लैंड, पूरे भारत से बहुत से और लोग भी आए वहां पर। देवदास, गांधी जी यंगेस्ट सन, जो कि गांधी जी के सबसे छोटे बेटे थे, अराइव्ड फ्रॉम द आश्रम, एंड सो डिड मिसेस गांधी, गांधी जी की वाइफ भी आई, मिसेस गांधी, कस्तूरबा गांधी। तो क्या हुआ, प्राइमरी स्कूल्स वर ओपन्ड इन 6 विलेजेस, चंपारण के 6 गांवों में प्राइमरी स्कूल खोली गई। कस्तूरबाई, गांधी जी की जो वाइफ थी, टॉट द आश्रम रूल्स ऑन पर्सनल क्लीनलीनेस, तो वो आश्रम के नियम बताती सबको कि व्यक्तिगत सफाई कैसे रखनी है और कम्युनिटी की सफाई कैसे रखनी है, खुद की सफाई, इलाके की सफाई, कम्युनिटी सैनिटेशन यानी सामुदायिक स्वच्छता। हेल्थ कंडीशंस वर मिजरेबल, उस इलाके की हेल्थ कंडीशन भी ठीक नहीं थी पढ़ाई के अलावा। गांधी गॉट ए डॉक्टर, तो उनको एक डॉक्टर मिल गया जो वॉलंटियर बनने को रेडी था 6 महीनों के लिए। 3 मेडिसिन वर अवेलेबल, 3 तरह की दवाइयां थी, एक कैस्टर ऑयल था, एक पुनैन थी और एक सल्फर ऑइंटमेंट था, ऑइंटमेंट मलहम होता है ना, जो ऊपर लगाने के काम आता है। एनीबडी हु शोड अ कोटेड टंग, अगर कोई इसी व्यक्ति की जीभ पे कुछ जमा हुआ नजर आता था, पीली पड़ जाती थी जीभ, तो उसको क्या दिया जाता था, अ डोज ऑफ कैस्टर ऑयल, उसको कैस्टर ऑयल का एक डोज दे देते थे। एरिया मलेरिया, एनीबडी विद मलेरिया फीवर रिसीव्ड कुनैन प्लस कैस्टर ऑयल, किसी को मलेरिया का बुखार होता तो उसको कुनैन के साथ कैस्टर ऑयल देते। एनीबडी विद स्किन इरप्शंस, अगर किसी को स्किन में कोई प्रॉब्लम होती तो उसको क्या देते, ऑइंटमेंट, जो सल्फर का ऑइंटमेंट था प्लस कैस्टर ऑयल देते थे।
तो वो मलम और ऑयल लगाते थे। गांधी नोटिस द फिल्दी स्टेट ऑफ वुमेन्स क्लोथ्स। गांधी जी ने क्या देखा कि वहां की औरतों के कपड़ों की स्थिति बहुत गंदी थी, फिल्दी थी, फिल्दी नहीं गंदी। तो ही आस्क्ड कस्तूरबाई, उन कस्तूरबाई अपनी वाइफ को कहा कि टॉक टू देम अबाउट इट, कि इसके बारे में बात करो उनसे। वन वुमन टू कस्तूरबाई इनटू हर हट, एक औरत कस्तूरबा को अपने घर लेके गई अपनी झोपड़ी में और कहा लुक देयर इज नो बॉक्स, मेरे घर में कोई बक्सा भी नहीं है, और कपबोर्ड हियर फॉर क्लोथ्स, कोई अलमारी भी नहीं है जिसमें मैं कपड़े रख सकूं। द साड़ी आई एम वेयरिंग इज द ओनली वन आई हैव, इनकी जो साड़ी मैंने पहन रखी है वो एक ही साड़ी मेरे पास है। तो इस तरह से उसने अपनी कितनी बुरी हालत थी, कितनी गरीबी छाई हुई थी, वो सब उसको समझाया। ड्यूरिंग हिज लॉन्ग स्टे इन चंपारण, तो गांधी जी ने जब लंबे समय तक चंपारण में स्टे किया, गांधी कैप्ट अ लॉन्ग डिस्टेंस वॉच, तो कैप्ट अ डिस्टेंस वॉच ऑन हिज आश्रम। ऐसा नहीं है कि वो आश्रम से एकदम कट गए, आश्रम पर पूरी वॉच रखी, निगरानी रखी दूर से ही। ही सेंट रेगुलर इंस्ट्रक्शंस बाय मेल, डाक से हमेशा इंस्ट्रक्शन निर्देश भेजते रहते थे, और आस्क्ड फॉर फाइनेंशियल अकाउंट्स, हिसाब किताब पूरा, वित्तीय हिसाब किताब पूरा मंगाते थे। वंस ही रोट टू द रेजिडेंट्स, एक बार उन्होंने ये भी लिखा अपने रेजिडेंट्स को, निवासियों को, आश्रम में रहने वालों को, कि इट वॉज टाइम टू फिल इन द ओल्ड लैटरिन ट्रेंचेस, कि जहां लैटरिन ट्रेंचेस को भरने का टाइम आ गया है, इनकी पुरानी वाली जो ट्रेंचेस है उनको भर दो मिट्टी से, और डिग न्यू वंस, अब नई ट्रेंचेस आपको खोदनी पड़ेंगी, अदरवाइज द ओल्ड वंस वुड बिगिन टू स्मेल बैड, नहीं तो पुरानी वाली ट्रेंचेस से अंदर लैटरिन ज्यादा इकट्ठा हो गया तो बदबू आने लगेगी, स्मेल बैड है ना, बुरी गंध आने लग जाएगी। द चंपारण एपिसोड वॉज अ टर्निंग पॉइंट इन गांधीज लाइफ, इस तरह से जो चंपारण एपिसोड है वो उनके लाइफ का टर्निंग पॉइंट था, उनके जीवन में एक बदलाव आया। What I did, he explained, was a very ordinary thing. गांधी जी कहते हैं कि मैंने जो किया वो एक बिल्कुल साधारण सी बात थी। I declared that the British could not order me, कि ब्रिटिश लोग मुझे ऑर्डर नहीं कर सकते, मैंने तो सिर्फ यही घोषणा की इन मी अबाउट इन माई ऑन कंट्री, कि मेरे देश में ब्रिटिश लोग मुझे ऑर्डर नहीं कर सकते। बट चंपारण डिड नॉट बिगिन I declared that the British could not order me about in my own country. मैंने यही घोषणा की कि अंग्रेज लोग मुझे मेरे देश के बारे में आदेश नहीं दे सकते कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है। But the Champaran did not begin as an act of defense. It grew out of an attempt to alleviate the distress of large number of poor peasants. वो कह रहे हैं कि चंपारण का जो एपिसोड है वो सिर्फ डिफेंस के रूप में, अंग्रेजों का विरोध करना, खिलाफत करनी है, उस रूप में शुरू नहीं हुआ था। ये तो पैदा हुआ था एक प्रयास के रूप में कि हमें दुख दूर करना है लोगों का, एलिविएट इन दूर करना है, डिस्ट्रेस इन दुख, लार्ज नंबर ऑफ पुअर पीजेंट्स, गरीब किसानों का दुख दूर करना है, इस भाव से गांधी जी ने आंदोलन शुरू किया था। दिस वॉज द टाइपिकल गांधी पैटर्न, ये गांधी जी का टिपिकल पैटर्न था, गांधी जी का अपना पर्सनल तरीका था। हिज पॉलिटिक्स वर इंटरट्वाइंड विद द प्रैक्टिकल डे टू डे प्रॉब्लम्स ऑफ द मिलियंस। गांधी जी की राजनीति ऐसी चलती थी जो कि किसानों की, जो मिलियंस लोग हैं, लाखों लोगों की डे टू डे जो प्रॉब्लम्स है, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स है, उनसे मिलती जुलती उनकी राजनीति थी, उसी में गुंथी हुई उनकी राजनीति थी। किसानों की समस्याओं के साथ मिलकर के वो काम करते थे, लाखों लोगों की समस्याओं के साथ मिलकर के। His was not a loyalty to abstractions. गांधी जी की वफादारी सिर्फ सिद्धांतों के प्रति, abstractions के प्रति नहीं थी, it was a loyalty to living human beings. उनकी loyalty जीते जागते इंसानों के प्रति थी, कि इंसानों की समस्याओं को दूर करना है। In everything Gandhi did, moreover, he tried to mold a new free Indian. गांधी जी ने कुछ भी किया, सब कुछ जो कुछ किया उसमें उन्होंने ट्राई ये किया कि मुझे एक फ्री इंडियन का निर्माण करना है, एक ऐसे भारतीय नागरिक का निर्माण करना है जिसकी थिंकिंग फ्री हो, जो स्वतंत्र सोच रखता हो। Who could stand on his own feet, जो अपने पैरों पे खड़ा हो सके और भारत को आजाद कर सके, ऐसे नागरिकों का निर्माण करना था। अर्ली इन द चंपारण एक्शन, जब चंपारण एक्शन की शुरुआत हुई थी उस समय चार्ल्स फ्रियर एंड्रयूज करके एक अंग्रेज था, जो अंग्रेज सेवाभावी व्यक्ति था वो, हु हैड बिकम अ डिवोटेड फॉलोअर ऑफ द महात्मा, वो खुद गांधी जी का फॉलोअर बन चुका था, गांधी जी का भक्त बन चुका था। ही केम टू बिड गांधी फेयरवेल बिफोर गोइंग ऑन अ टूर ऑफ ड्यूटी टू द फिजी आइलैंड्स। वो अंग्रेज सरकार का नौकर था वैसे, लेकिन गांधी जी का दीवाना हो गया था, तो वो गांधी जी से विदाई लेना आया कि मुझे तो फिजी में ड्यूटी के लिए जाना है। तो गांधी लॉयर फ्रेंड्स थॉट कि इट वुड बी गुड आइडिया फॉर एंड्रयूज टू स्टे इन चंपारण। तो गांधी जी के दूसरे जो लॉयर फ्रेंड्स थे, वकील थे, दोस्त, उन्होंने सोचा कि तो अच्छा आइडिया है, एक अंग्रेज को अपनी तरफ मिला लें, कि एंड्रयूज को अपनी तरफ मिला लें और चंपारण में ही रोक लें उनको, एंड हेल्प देम, वो उनकी हेल्प भी करेगा। एंड्रयूज वॉज विलिंग, एंड्रयू खुद भी विलिंग था, उनकी इच्छा थी, इफ गांधी एग्रीड, कि अगर गांधी जी मान जाए मैं रुकने को तैयार हूं। बट गांधी वॉज वेहमेंटली अपोज्ड, गांधी जी बिल्कुल इसके विरुद्ध थे। He said, "You think that in this unequal fight, it would be helpful if we have an Englishman on the outside." तुम क्या सोचते हो कि हमारी जो लड़ाई है, जो कि बराबरी की लड़ाई नहीं है, unequal fight है, इसमें एक अंग्रेज को हमारी तरफ मिला लें तो हमारे लिए helpful होगा? ऐसा सोच रहे हो क्या? This shows the weakness of your heart. ये तुम्हारे दिल की कमजोरी को दिखाता है। The cause is just, हमारा जो लड़ाई का जो कारण है, हमारा जो उद्देश्य है, वो just है, न्यायोचित है, न्यायपूर्ण है। और you must rely upon yourselves. तुमको अपने ऊपर विश्वास करना पड़ेगा, rely करना पड़ेगा टू विन द बैटल, युद्ध जीतने के लिए। यू शुड नॉट सीक अ प्रॉप इन मिसेस एंड्रयूज, मिसेस एंड्रयूज के रूप में तुमको प्रॉप नहीं ढूंढना, प्रॉप इनके सामने वाले के किसी व्यक्ति को अपने साथ मिला लेना, सामने वालों में से कोई अपना बना लेना, तो बिकॉज ही हैपन्स टू बी एन इंग्लिशमैन, कि सिर्फ वो एक अंग्रेज है, उसको अपने साथ मिला लो तो अपनी लड़ाई अच्छी हो जाएगी, ऐसा नहीं सोचना है। ही हैड रेड आवर माइंड्स करेक्टली,
राजेंद्र प्रसाद कमेंट्स, राजेंद्र प्रसाद कह रहा है बिल्कुल गांधी जी ने हमारे मन को पढ़ लिया था, हमारे मन को माइंड्स को उन्होंने रीड कर लिया था। वी हैड नो रिप्लाई, हमारे पास कोई जवाब नहीं था। गांधी इन दिस वे टॉट अस अ लेसन इन सेल्फ रिलायंस, तो इस तरह से गांधी जी ने हमको एक सेल्फ रिलायंस कि अपने ऊपर विश्वास रखना है, अपने प्रयासों पर विश्वास रखना है, इसका एक सबक सिखाया, एक पाठ सिखाया, लेसन सिखाया। सेल्फ रिलायंस, इंडियन इंडिपेंडेंस एंड हेल्प टू शेयर क्रॉपर्स वर ऑल बाउंड टुगेदर। तो एक तरह से आत्मविश्वास, खुद पे भरोसा, भारत की आजादी और किसानों की मदद, ये सब चीजें एक दूसरे से बंधी हुई थी, एक दूसरे से जुड़ी हुई थी। इनकी अगर अपने ऊपर भरोसा रखेंगे तो इंडिपेंडेंस भी आ जाएगी, किसानों की हेल्प भी हो जाएगी, किसानों की हेल्प करेंगे तो भारत की आजादी भी आ जाएगी, भरोसा भी बढ़ेगा। तो इस तरह से अपना यह चैप्टर एंड होता है, जो कि गांधी जी के लाइफ की एक बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट है। चंपारण में उन्होंने जो सिविल डिसोबीडियंस ओबीडियंस का मूवमेंट किया था, फर्स्ट इंडिया में अपने तरह का एक सबसे बड़ा फर्स्ट यही था, उसके बाद तो उन्होंने खूब किए थे। तो आपको समझ में आया, कैसा लगा कमेंट्स में जरूर बताइएगा, और वीडियो अच्छा लगा तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।